इंडिया को इंग्लैंड के हाथों लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे में 86 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ ही मेजबान टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 322 रन बनाए और टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 323 रनों का टारगेट रखा। जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 236 रन पर ढेर हो गई और इंग्लैंड ने मैच अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया के लिए सुरेश रैना ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए, जबकि कप्तान विराट कोहली ने 45 रनों की पारी खेली। इसके अलावा पूर्व कप्तान धोनी ने 37 रनों की धीमी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने वनडे में अपने 10,000 रन भी पूरे किए। इंग्लैंड की तरफ से लियाम प्लंकेट ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। स्कोरबोर्ड रूट के शतक की बदौलत इंग्लैंड ने बनाए 322 रन। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 322 रन बनाए और टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 323 रनों का टारगेट रखा। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने अपने वनडे करियर का 12वां शतक जड़ते हुए 116 गेंदों में 113 रनों की पारी खेली। इसके अलावा डेविड विली ने अंत में 31 गेंदों में 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। रूट ने अपनी पारी में 8 चौके और 1 छक्का लगाया। कप्तान लियोन मॉर्गन ने 51 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 53 रनों की पारी खेली। जेसन रॉय ने 40 और जॉनी बेयरस्टो ने 38 रनों का योगदान दिया। रूट ने कप्तान मॉर्गन के साथ 103 रनों की साझेदारी की और जब टीम अंत में फंस रही थी तब विली के साथ 6 विकेट के लिए 83 रन जोड़े। टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। उमेश यादव, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल ने 1-1 विकेट लिए। इंग्लैंड को मिली अच्छी शुरुआत। जॉनी बेयरस्टो 38 और जेसन रॉय 40 ने टीम को मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर 10.2 ओवरों में 69 जोड़े। पिछले मैच में इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान करने वाले कुलदीप ने इस बार भी अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। 11वें ओवर में कप्तान विराट कोहली ने अपने तुरुप के इक्के कुलदीप यादव को गेंद थमाई और कुलदीप ने भी कप्तान को निराश नहीं किया और अपने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर खतरनाक दिख रहे जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन लौटा दिया। कुलदीप यादव की गेंद पर स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में बेयरस्टो क्लीन बोल्ड हो गए। बेयरस्टो 38 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 1 छक्का लगाया। 15वें ओवर में कुलदीप यादव ने पहली ही गेंद पर जेसन रॉय का अहम विकेट चटका दिया। कुलदीप यादव ने उन्हें उमेश यादव के हाथों बाउंड्री लाइन पर कैच आउट करा पवेलियन लौटा दिया। रॉय 40 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। कुलदीप हालांकि इस मैच में रन ज्यादा दे रहे थे। इंग्लिश बल्लेबाज उनके खिलाफ होमवर्क करके आए थे, इस बात का अंदाजा मॉर्गन और रूट के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई शतकीय साझेदारी से चला। ये दोनों बिना मुश्किल कुलदीप को खेल रहे थे। इस साझेदारी को भी हालांकि कुलदीप ने ही तोड़ा। उन्होंने 189 के कुल स्कोर पर मॉर्गन को चलता किया। बेन स्टॉक्स 5 को हार्दिक पांड्या ने रूट के साथ खड़े नहीं होने दिया। इस बीच उमेश यादव ने जोस बटलर 4 और युजवेंद्र चहल ने मोइन अली 13 को आउट कर इंग्लैंड को लगातार झटके दे थोड़ा परेशानी में डाल दिया। मेजबान टीम हालांकि दबाव में नहीं आई। रूट को अंत में विली का साथ मिला। दोनों ने मिलकर टीम को एक मजबूत स्कोर प्रदान किया। विली ने अंत में तेजी से 31 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना पहला अर्धशतक जड़ा। भारत के लिए कुलदीप ने 3 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा पांड्या, उमेश और चहल को 1-1 विकेट मिला। सिद्धार्थ कौल इस मैच में भी अपना खाता नहीं खोल पाए। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले ली बल्लेबाजी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और टीम इंडिया को गेंदबाजी दी है। दोनों टीमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्लेइंग 11 भारत: विराट कोहली कप्तान, शिखर धवन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, महेंद्र सिंह धोनी, विकेट कीपर सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, सिद्धार्थ कौल, उमेश यादव। इंग्लैंड
एयन मॉर्गन, कप्तान जेसन रॉय, जॉनी बेरेस्टो, जोस बटलर, विकेटकीपर मोइन अली, जरूड, लियाम प्लंकेट, बेन स्टॉक्स, आदिल राशिद, डेविड विली, मार्क वुड। जेड न्यूज की रिपोर्ट।